मोहम्मद तेरे बाप का नाम। धर्म के गद्दारों को गोली मारो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहादुन में आप सभी का खैर मकदम। 74वां यौम जमहूरिया का जश्न तो मनाया गया, लेकिन अगर इस मौके पर सीधा सवाल पूछा जाए कि जिस समाज ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, आखिर वो समाज क्या मुल्क में महफूज है? कहने को बहुत कुछ कहा जाता है। दीगर मुल्कों की मिसाल देते हुए ये भी कहा जाता है कि भारत का मुसलमान दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत महफूज है, पर क्या इस बात में सच्चाई है? लिहाजा आज क्या मुसलमान भारत में डर के साये में नहीं है? ये सवाल करने के बाद कई ऐसे कथित हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी बाहर निकलकर सीधे पाकिस्तान जाने का टिकट थमाने लगते हैं। आज इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूरी समझ रहा हूँ क्योंकि हाल में एक ऐसी वारदात पेश आई जिसका जिक्र करना जरूरी है। ट्रेन में सफर कर रहे असीम हुसैन को महज मुसलमान होने की बिना और पहनावे को देखते हुए लगातार ट्रेन में पीटा गया, यहाँ तक के बेल्ट से मारा गया। आप वीडियो में देख सकते हैं। तमाम लोग सिवाय देखने के कुछ नहीं कर पाए। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि आखिर किसी एक वारदात का जिक्र कर्नाटक के बेलगाम में क्यों कर रहे हो, लेकिन ये मामला मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पर हो रहा है। आखिर में सवाल ये उठाना लाजिम हो जाता है कि मुसलमान होने की बिना पर ट्रेन में या सड़कों पर पीटने लगे तो आखिर मुसलमानों के दिलों में क्यों न डर पैदा हो जाए? कर्नाटक भी इन मामलों में अछूता नहीं है, और अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो मुस्लिम ताजिर वेंडरों पर हमलों की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। यकीनन असीम हुसैन ने मामले को पुलिस थाने जाकर मामला तो दर्ज किया हुआ है, लेकिन इत्तला के मुताबिक अब तक किसी की भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अपनी फरियाद में असीम हुसैन ने बताया कि दिल्ली से मुराबाद के लिए ट्रेन में चढ़ गया, काफी भीड़ थी, लेकिन ट्रेन में इसके साथ जानबूझकर कुछ लोगों ने धक्का मुक्की कर इसे बेतहाशा पीटने लगे और चिल्लाने लगे कि ये मुल्ला है, मुल्ले चोर होते हैं, फिर लगातार पीटते रहे, दाढ़ी को खींचकर पीटने लगे। पीटते हुए जय श्री राम के नारे लगाने का मुतालबा भी नहीं छोड़ा, वो मुतालबा मुसलसल करते रहे। जब नारे लगाने से मना किया तो उसे और भी पीटने लगे, कपड़े खींचकर फाड़ दिए और जेब से 2,200 रुपए भी उन्होंने छीन लिए। जहां 74वां यौम जमहूरिया मनाने जा रहे इस मुल्क के शहरियों की दास्तान यह है कि वहां मौजूद एक भी फर्द इन्हें बचाने की कोशिश तक नहीं कर सका। मुरादाबाद आउटर पर ट्रेन कुछ धीमी हुई तो इन्हें धक्का देकर किसी ने ट्रेन से उतार दिया, किसी पहचान वाले ने इन्हें कपड़े दिए, वरना तो मॉब लिंचिंग होना तय माना जा रहा था। ट्रेन में मुस्लिम पहचान के तौर पर इस तरह की वारदातें पेश आना कोई नया मामला नहीं है। जब से मोदी हुकूमत आई है इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। 2017 में ट्रेन से ईद के कपड़े खरीद कर घर जा रहे जुनेद को इसी तरह फिरका परत जहनीत के लोगों ने चाकू से गोंद कर जान से मारा था। जुनेद महज 16 साल का लड़का था, लेकिन पहनावा मुसलमानों का होने की वजह से चाकू से इसे गोंद दिया गया और उसी में उसकी मौत हो गई। वैसे पहलू खान अखलाक तबरेज एक तवील फहरिस्त है, लेकिन हुकूमत बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में मामलात को छिपाने की कोशिश करती रही। हाल ही में मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है, और इस तरह की वारदातें अंजाम देकर भाजपा डराने की भी कोशिश करती रहती है। भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, रामसेना जैसी तंजीमें मुसलसल इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रही है। क्या किसी के घर के औलाद इस तरह बेमौत मर जाए उनके घर वालों पर खौफदारी नहीं होगा? और दूसरी तरफ की तस्वीर भी देखिए, मुस्लिम तंजीम इदारे या जमातें सिवाय खामोश बैठने के कुछ कर भी नहीं रही। जब असीम हुसैन के वकील से पूछा गया क्या आखिर आप पुलिस पर दबाव क्यों नहीं डाल रहे, वकील रेहान के मुताबिक पुलिस मुजरिमों पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा असीम हुसैन से ही लंबी लंबी पूछताछ करती रही। डर के माहौल में पूरा परिवार खामोश रहना ही मुनासिब समझ रहा है। अब तो पुलिस की जानिब से यह कहते हुए देखा गया कि असीम हुसैन किसी औरत की छेड़खानी कर रहा था। आखिर इसे क्या कह सकते हैं और क्या कहा जाए? आपने बेलगाम में भी देखा होगा कि कैसे किसी भी बात को मुसलमानों के अखलाक पर सवाल खड़े किए जाते हैं। मुसलमान सब्जी फ्रूट बेचता है तो उस पर थूक कर देता है। कोरोना में मुसलमान नर्सेस के साथ बेहुदा हरकतें करता है। यहाँ तक कि हाल ही में मस्जिद फातिमा के मामले में इल्जाम लगाया गया कि मुस्लिम नौजवान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां लेकर हिंदू लड़कियों को छेड़ते हैं। अब तो बात और भी आगे बढ़ते हुए नबी की शान में गुस्ताखी का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है और बारह इस तरह की वारदातें पेश आ रही है। पठान फिल्म की मुखालफत करते करते अब तौहीन रिसालत तक पहुंचे, अब तो ही रिसालत तक पहुंचने की जुरत फिरका परस्तों की हो रही है। फिल्म और इस्लाम का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन किसी भी बात की मुखालफत को मुसलमानों से जोड़कर अब तौहीद और रिसालत तक पहुंचकर जो चाहे कहा जा रहा है, इबादतगाहों तक को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद
तमाम मुस्लिम तंजीम इदारे उलमा मदारिस जिम्मेदारान सियासी लीडरान खामोशी को ही चुन लिया है। कुछ इदारे गिरफ्तारी के बाद रिहाई के काम को अंजाम दे रहे हैं तो कुछ आज भी फ्रूट खाना पानी तकसीम में लगे हुए हैं। कुछ लोगों को आज भी एजुकेशन की कमी महसूस हो रही है। कुछ लोगों को दहेज की लानत को खत्म करने की फिक्र है जबकि सबसे बड़ा मसला तो तहफूज का है। आज कहीं पर भी कोई भी मुस्लिम लिबास में निशाना बन सकता है और कोई माने या ना माने मुस्लिम समाज डर खौफ के साए में है। मुसलमानों का अक्सर तबका तो अब भी कुछ नहीं हुआ या कुछ नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है, ऐसा कहते हुए देखा जाता है। आज जब मुल्क में यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है, संविधान की दुहाई दी जा रही है, पर साथ में संविधान को बदलने की भी तैयारी हो चुकी है। ना तो दलितों को एहसास है और ना ही मुसलमानों को एहसास। लाल किले से बड़े बड़े बयान वजीर आजम दे रहे हैं लेकिन सच्चाई ये है कि सड़कों पर भीड़ और फैसला करने पर उतारू है। अदलिया इंतजामिया का डर इनके दिल में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। क्या मालूम कि रोजाना कितने असीम हुसैन ट्रेनों बसों में पीटते होंगे, पर मुस्लिम समाज है कि इसे इत्मीनान है कि पठान ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हमने इस फिल्म को हिट करके फिरका परस्तों को जवाब दिया जबकि इस कौम का मुस्तकबिल तारीकी है। दो नस्लों को हमने जमातों मसलकों फिरकों में बर्बाद होता अपने आंखों से देखा और खुद हम इसका हिस्सा भी रहे। इससे भी बढ़कर ये देखा जा रहा है कि अगली नस्ल भी बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। इनकी आंखों में बजाय मुल्क कौम का मुस्तकबिल के रात के अंधेरे में मोबाइल स्क्रीन में उन्हें उजाला दिख रहा है। डर खौफ का साया और बेहिस माशरा, लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र का कब्जा और खामोश मुसलमान, कोई जवाब अनकरीब तो नजर नहीं आ रहा। असीम हुसैन के पीठ पर बेल्ट के जख्म है, घर में इसके मासूम बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे थे। आज किस्मत अच्छी थी कि असीम हुसैन घर लौट तो आए। हो सकता है कि कुछ दिनों में जख्म भी भर जाए लेकिन जहनों के जख्म कैसे भर पाएंगे, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है क्योंकि पता नहीं और कितने असीम हुसैन रोजाना फिरका परस्तों का शिकार हो रहे हैं और बेहिस माशरे के पास इसका कोई इलाज नहीं, ये भी सच्चाई है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। जो वीडियो वायरल हो रही है इस वीडियो में आप ही हैं? जी हाँ मैं ही हूँ। मैं दिल्ली से चला था मुरादाबाद के लिए और क्या नाम है गढ़ आने के बाद पीछे से 8-10 लोग लड़के आए और ट्रेन में भीड़ तो काफ़ी थी और मेरे आए को आ गए, आए को दादा को करने लगे। एक में से एक बोला अरे चोर है ये मुल्ला, चोर है जो मुल्ला चोरी होते ही है पकड़ो। फिर एकदम जैसे उन्होंने कहा फिर मैं एकदम मारने लगे, मारते मारते मैं इतना मारा बहुत, फिर एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ के हैंची बोले बोलो जय सिया राम, और मैंने ना बोला तो मेरे कपड़े उतार दिया। फिर मैंने बेल्ट से भी बहुत मारा और क्या नाम है फिर मारते मारते मैं बिल्कुल अधमरा हो गया। फिर एकदम मैंने थोड़ा ऐसी लेटर लिया और जब मुरादाबाद का ऑर्डर से पहले मैं एक आदमी के दिल में थोड़ा वो आया, उनने मैं एकदम नीचे फड्डे से धक्का दे दिया मुझे ऑर्डर से पहले। बाप का नाम जय सियाराम, जय सियाराम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम जय सियाराम, जय सियाराम, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, धर्म के गद्दारों को गोली मारो। NPET इंग्लिश मीडियम स्कूल की जानिब से शानदार तरीके जश्न यौम जमहूरिया मनाया गया। 10वीं में नुमायां नंबरात हासिल करने वाले तलबा तुलबात को इस वक्त इनामात से नवाजा गया। इस वक्त खास मेहमान निशरीन खोरकीवाला को मधु किया गया था। दिगर मेहमानान में जनाब इसाक मुल्ला, जनाब कैस नूरानी, जनाब हनीफ मुडलगी मुस्लिम बर्फ वाला रहे, जनाब फिरोज सैयद और मोहतरमा नसीम खतीब ने इजलास को कामयाब बनाया। अंजुमन इस्लाम स्कूल में भी जश्न यौम जमहूरिया शानदार तरीके से मनाया गया। इस वक्त बतौर मेहमान खुसूसी जनाब फिरोज सेठ, जनाब आसिफ राजू सेठ, डॉक्टर हाफिज, बाबूलाल मुजावर, अरशद मोमिन, कारपोरेटर रेशमा भैरकदार, समीउल्ला मुल्ला, सेक्रेटरी समीउल्ला माड़ीवाले, फारूक कोतवाल, रसूल मुल्ला, अफजल टीनवाले और दिगर मेहमानान मौजूद रहे। बेलगाम सब्जी मंडी यानी कांदा मार्केट में भी यौम जमहूरिया को मनाया गया जिसमें अफजल अंगोलकर, तारक संगोली, रिजवान मोकाशी, इम्तियाज संगोली, नदीम और दिगर हजरात मौजूद रहे।
इंटरनेशनल लेवल कराटे चैंपियनशिप में बेलगाम की वानिया वाजिद शाह सैयद उम्र 9 साल ने नुमाया मुजारा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। वानिया की इस कामयाबी पर इन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।